टमाटर में फल छेदक कीट का नियंत्रण। किसानों को इन दिनों टमाटर जैसी सब्जियों में होने वाली बीमारियों के प्रकोप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फल छेदक कीट टमाटर का सबसे हानिकारक कीट है, तो लेते हैं इस कीट के बारे में जानकारी। क्या है फल छेदक कीट? इस कीट की मादा पत्तियों व फूलों के ऊपरी भाग में एकल रूप में अंडे देती है। एक मादा लगभग 500 अंडे देती है। नन्ही सुंडियां कोमल भागों का रस चूसती है तथा बड़ी सुंडी फलों को खाती है। एक सुंडी लगभग 2 से 8 फलों को नुकसान पहुंचाती है। नन्हे लार्वा नाजुक तनों व पत्तियों को खाते हैं। बड़े लार्वा गोलाकार छेद करते हैं और शरीर का थोड़ा हिस्सा फल के अंदर डालकर गुदा खा जाते हैं। इस कीट का आक्रमण लाल फलों की अपेक्षा हरे फलों में अधिक होता है। तो अब जानते हैं इस कीट पर कैसे नियंत्रण लाया जाए। कीट पर नियंत्रण। बुवाई से पहले गहरी जुताई करें, जिससे खेत में मौजूद प्यूपा नष्ट होकर बाहर आ जाए। प्रभावित फलों को एकत्रित कर नष्ट कर दें। खेत में पंक्तियों के बीच 1 से 16 के अनुपात में गेंदा लगाएं। प्रति एकड़ 3 हिली और फेरोमेन ट्रैप लगाएं। बैसिलस थुरीजेनेंसिस की 2 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ की दर से छिड़कें, या फिर एजा डायरेक्टिन 1% ईसी की 2 मिली की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं, या इंडोक्स का कार की 14.5% एससी की 8 मिली की मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाएं, या फ्लुबेंडामाइड 20WG की 5 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाएं, या क्विनोल्फास 25% ईसी की 1 मिली की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। इनमें से किसी एक कीटनाशक का छिड़काव प्रति एकड़ की दर से फसल पर करें।